सीरत से फतह करते हैं दिलों को, सीरत से फतह करते हैं दिलों को। आप ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते, आप ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। तो दावत खिताब मैं उस अजीम शख्सियत को कि जिनके लिए आज आज ये सारी बज़्म सजाई गई, मेरी मुराद जनाब चौधरी इश्तियाक अहमद साहब ट्रिपल एस फिजिक्स, भरपूर तालियां भरपूर तालियां और उठ के मेरे बच्चे उनका इस्तकबाल करेंगे, भरपूर तालियां। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قابل احترام صدر مجلس محترم اساتذہ کرام और मेरे अजीज बच्चों, जो किसी भी उस्ताद के लिए उसके मनसब से सबकदोशी का वक्त होता है, वो मेरे नज़दीक कोई ख़ास मानी नहीं रखता एक लिहाज से कि मैं कोई यहाँ जब इस पेशे में आया तो इस पेशे को मैंने दिल से और दिमाग से और अपने जज्बाती अंदाज से अपनाया और शायद इसके बदले में मुझे कोई बहुत बड़ा ओहदा मिल जाता जिसकी तनख्वाह शायद 10-20 गुना ज़्यादा होती, तो इसके मुकाबले में मैं उसे कबूल न करता, क्योंकि तालीम तरबियत और इस तालीम का जो निज़ाम जिसमें हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इसको दुरुस्त करने का दाइया ये मेरी ज़िंदगी का मकसद है। और मैं रिटायर होने के बाद भी इस मकसद को पूरा करने की दिलो जान से कोशिश करूँगा, बल्कि मेरा इरादा है कि यहाँ जब मैं पढ़ाने आता था तो मेरे पास वक्त बहुत कम होता था कि मैं मैदान अमल में निकल कर कोई बड़ा काम कर सकूं। अब मुझे आज़ादी है, मेरे पास वक्त है बहुत, मैं मैदान में निकलूंगा और हमारे जो हमारा अलमिया है, हमारे मुल्क का अलमिया है कि हमने अपने सारे इदारे गैर मुल्की एनजीओज को बेचे हुए हैं कुछ थोड़ी सी इमदाद के इवज, उस इमदाद का उस इमदाद की कली आज खुल रही है कि उसका नतीजा क्या निकलता है कि इंसान अपनी तहजीब से आरी हो जाता है, अपनी जबान ख़त्म कर बैठता है, अपना मज़हब जो है वो उसके साथ नाता ताल्लुक कमज़ोर पड़ जाता है और फिर गुर्बत तो इंसान का मुकद्दर बन जाती है। इसी से वो फ़ायदा उठाकर हमें महकूम गुलाम और अपना दस्ते नगर बना लेती है वो कौमें। मैं इसके खिलाफ जिद्दोजहद करना चाहता हूँ, कर रहा हूँ और रिटायरमेंट के बाद भी
मेरी कोशिश का मरकज व महवर ये है कि मैं इन एनजीओ से अपने इदारों को छुड़वा सकूं। वो कुछ लोग जो हकीकी आज़ादी का दावा करते हैं, मेरे नज़दीक हकीकी तौर पर हम उस वक्त आज़ाद होंगे जब हमारा पहली से लेकर एमएससी, एमफिल और पीएचडी तक का सारा निसाब हमारी अपनी कौमी ज़बान में होगा। तो हमारे तालिबे इल्म समझेंगे और उस समझ के ऊपर तहकीक, तख्लीक और इजादात की इमारत खड़ी करेंगे। तो ये मेरा मकसद है और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे इस मकसद को हासिल करने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी के लिए चुन ले तो मेरी खुशकिस्मती होगी। अजीज तलबा, मैं जितनी देर यहाँ रहा हूँ और मेरे दोस्त भी मुझसे पहले ये बात कर चुके हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता। जो आपसे जो मैं रोज़ाना खिताब करता था दुआ हाजरी में, ये कोई मुझे कोई कहता नहीं था, ये मेरे दिल की आवाज़ थी। तालीम और ताल्लुम और तालीम और तरबियत का जो शोभा मैंने अपनाया था और दिल से अपनाया था, वो मेरे दिल के तस्वुरात और ख्यालात और मेरे जज्बात मुझे उभारते थे कि मैं वो बातें आपसे करूं। मैं चाहता था कि जहां मैं पढ़ाता हूं वहां के तालबिल मुद्दब हों, तालीम के साथ साथ तरबियत के जेवर से भी आरास्ता हो और उसके साथ साथ मैं साइंस के भी बहुत सारे असबाक दुआ हाजरी में भी पढ़ाता था और क्लास में जाकर भी मुख्तलिफ क्लास के बच्चों को भी मैं पढ़ाता था। ये कोई मुझे नहीं कहता था, ये मेरे दिल की आवाज़ थी जो मुझे लेकर जाती थी मुख्तलिफ क्लास रूम। तो इंशाल्लाह ये सफ़र जो शुरू किया है ये जारी और सारी रहेगा, मज़ीद ताकत के साथ, मज़ीद वक्त के साथ, मज़ीद कोशिश के साथ, जिद्दोजहद के साथ मैं इस काम को करना चाहता हूं और मैं अपने मुल्क को हकीकी तौर पर आज़ाद देखना चाहता हूं। और आज़ादी का जो रास्ता है वो तालीम के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तालीम का निज़ाम हमारे लोग बनाएं, हमारे लोगों को समझ, जिनको समझ है वो बनाएं। और ये बात मैं बार बार आपके सामने रखता रहा हूँ कि हमारे जो वजारतों में बैठे हुए लोग हैं वो हमारे नहीं हैं, वो हमारे नहीं हैं, ना हम में से हैं, ना उनके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, ना वो चिलचिलाती धूप में जिस तरह से आप बैठे हैं वो नहीं बैठ सकते। उनकी गर्दनों के अंदर सरिया है, जो 1% तबका है जिसने हमें हाईजैक किया हुआ है, हमें गुलाम बनाया हुआ है, उस तबके से आज़ादी है। हकीकी आज़ादी उस तबके से आज़ादी है। और क्योंकि निज़ाम तालीम से हर निज़ाम बनता है, आप पाकिस्तान के जितने निज़ाम है उनको एक फहरिस्त बना ले, उनकी उनको ग़िज़ा मिलती है, उनको खुराक मिलती है तो इसी निज़ाम से मिलती है। और जब किसी मुल्क का निज़ाम तालीम किसी दूसरी ज़बान में होता है तो ना उस मुल्क के बच्चों, उस मुल्क की जो नस्ल है, इल्म जो है वो हलक से नीचे नहीं उतरता। जो कुछ वो जानते हैं वो सती तौर पर जानते हैं। और मास्टर करने के बाद मैं तो बरमला कहता हूँ कि हमारा जो एमएससी करके निकलता है उसे चंद तारीफों के अलावा रट्टे से याद की होती है, इल्म नाम की चीज़ वक्त हलक से नीचे नहीं उतरी होती, क्योंकि वो उसका जहन गुलाम है, उसको गुलामाना तर्ज़े तालीम से तालीम ही मिली है। दुनिया के अंदर जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं सबसे पहले उन्होंने अपना निज़ाम तालीम अपनी ज़बान में वज़ा किया है, उसके बाद उन्होंने तरक्की शुरू की है। जब इल्म और टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी समझ ही नहीं आएगी किसी को दूसरी ज़बान में,
तो उसके ऊपर तहकीक तखलीक और इजादात की इमारत कैसे खड़ी हो सकती है। हमारे मईशत दान दिन रात टीवी पर तबसरे करते हैं जी मईशत को ठीक करना, वो दिन ब दिन खराब होती जाती है। इसलिए खराब होती है कि सबसे ज्यादा जो मईशत को दुरुस्त करने वाला निजाम है वो खराब है। गुर्बत सबसे ज्यादा इसलिए है कि हमारा जो सारी सलाहियतें हैं, हमारी पैसा क्या, वक्त क्या, जो आप एमएससी और पीएचडी करते हैं वो सारी सलाहियतें जाया होती हैं, पैसा जाया होता है, इसलिए गुर्बत पैदा होता है। मैं तो कहता हूं कि अगर जरिए तालीम हमारी अपनी जबान हो जाए, सारे इदारे खत्म कर दे, आप यूनिवर्सिटियां भी, स्कूल भी, कॉलेज भी, सब खत्म कर दे और जरिया तालीम अपनी जबान को कर दें, लोगों से कहें कि प्राइवेट निजी तौर पे पढ़ के वो इम्तहान दें, तो जितना इल्म अब है लोगों के पास इससे हजार गुना ज्यादा हो जाएगा। जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं, जो रट्टा लगा के 5 साल में एमबीबीएस करते हैं, वो किताबें उर्दू में आपके पास आ जाए तो एक प्राइमरी पास जो है वो 50-60% उसमें से चीजें समझ लेगा। तो अजीज बच्चों, ये बातें वही हैं जो मैं कई साल आपसे मुख्तलिफ अंदाज में दोहराता रहा हूँ। हमारा ताल्लुक रहेगा इंशाल्लाह। और जो मैंने बताया कि जिस जिद्दोजहद को करने का बीड़ा उठाया है उसमें मैं चाहता हूँ आप हमारे साथी बने, हमारे दस्ते रात बने, दस्तो बाजू बने। असातिज़ा से भी मेरी दरख्वास्त है और जो लोग मुझे सुन रहे हैं सबसे मेरी दरख्वास्त है कि हम इनकलाब बरपा करना चाहते हैं इस मुल्क में, इस तालीमी निज़ाम को बदल के। तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे, हम सब को इस मुल्क के अंदर एक ऐसी जिद्दोजहद करने की तौफीक अता फरमाए जो इस मुल्क का नक्शा पलट दे, जो तहकीक तख्लीक और इजादात के दरवाजे खोल दे और हम भी अमेरिका बरतानिया से ज़्यादा तरक्की करें, हमारे आलात उनसे ज़्यादा मियारी हों, हमारा जंगी साजो सामान उनसे ज़्यादा मियारी हो, वो हमसे खौफ ज़दा हो जिस तरह से कुरान कहता है तो इसके लिए हम जिद्दोजहद कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह हमारी जिद्दोजहद, मुझे उस ज़ात पर कामिल यकीन है कि एक दिन आएगा ये जिद्दोजहद मंतकी अंजाम तक जरूर पहुंचेगी। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसको अंदेशाए ज़वाल ना हो। आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आप वक्त पर तशरीफ़ लाए और इंतहाई मौजू प्रोग्राम रहा। अल्लाह हमारा और आपका सबका हामी नासिर। इसके बाद जनाब सनाउल्ला साहब से गुजारिश है सर कि वो अपने दस्ते मुबारक से ये कुछ तहाइफ वगैरह जो दोस्तों ने इहतमाम किया है वो दिए जाए। बड़े बच्चे आ जाए ना यार, बड़े बच्चे आए दो, ये बेटा उठा के ये उधर ले जाए। खान हलीम खान साहब तशरीफ ले आए स्टेज पर। जनाब हाफिज़ सुहेल साहब तशरीफ लाए, हमारे मेहमान हैं। इधर से अब्दुल मुसव्वर साहब आ जाएं और आए सर अब्दुल मुसव्वर साहब। अच्छा चले, उस्मान साहब आ जाएं, उस्मान साहब, अकरम साहब आ जाएं। सर काइंडली आपकी फोटो चाहिए। शील्ड पेश करते हुए प्रिंसिपल साहब स्टाफ की तरफ से जनाब चौधरी इश्तियाक अहमद साहब को
शील्ड पेश करते हो। खान साहब आप तशरीफ ले जाए और बाकी भी दोस्त जनाब माजा साहब आ जाए, जनाब चौधरी अरशद साहब आ जाए, नवीज नवीज साहब आए तशरीफ लाए, उसामा भाई आए, उसामा साहब, अमजद साहब आ जाए, जनाब चौधरी अमजद साहब भरपूर तालियां साजा के लिए भी हर तालियां बजाया गया। इश्तियाक साहब आ जाए, मेरे क्लास वाले बैठे हुए हैं यार पीछे, उनको भी बुलाएं। सर काइंडली तशरीफ लाएं, भरपूर तालियां जी, एक मिनट जी, आए सर आए आए तशरीफ लाएं। ये इम्तियाज साहब आप इधर आ जाए, सर इधर आ जाए काइंडली, इधर आ जाए, नवीद भाई इनको साथ जगह दें। भरपूर तालियां होनी चाहिए भाई, इसके बाद ग्रुप फोटो सर इधर ही ले लें सबका। अच्छा, इसके बाद जी आप सर आप तशरीफ रखिए, मंजूर साहब की तरफ से जी, ये जो आज के हमारे दूसरे मेहमान थे जो इश्तियाक अहमद साहब की तरफ से मधु किए गए थे, उनके दोस्त हैं, वो उनको तोहफा देते हुए भरपूर तालियां। हाँ जी तशरीफ रखिए सर, इश्तियाक अहमद साहब सर आपको फिर खड़ा होना पड़ेगा। अरशद साहब अपनी तरफ से तोहफा पेश करने के लिए स्टेज की तरफ आ रहे हैं, भरपूर तालियां होनी चाहिए। प्रिंसिपल साहब मुआवनत करेंगे सर, भरपूर तालियां। इसके बाद जनाब कैसर सईद साहब वो अपनी तरफ से सर के लिए गिफ्ट लेके स्टेज पर तशरीफ फरमाए हैं, भरपूर तालियां, भरपूर तालियां, यार तालियों के बाद कौन मिलेगी। इसके बाद जनाब अब्दुल मुसव्वर साहब वो सर की खिदमत में कुछ पेश करना चाहते हैं, भरपूर तालियां। हमारे नौजवान उस्ताद मोहतरम जनाब अब्दुल मुसव्वर साहब सर को अपनी तरफ से तोहफा पेश करते हुए भरपूर तालियां। करी अब्दुल लतीफ साहब आप आए अभी दुआ करवा दो, भरपूर तालियां जी सर, आप तशरीफ रखें, बहुत शुक्रिया आपका। एक मरतबा फिर जो मुअज्जज़ मेहमान सर की तरफ से मदऊ किए गए थे उनको भी हमारी तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد كما أنت أهل وافعل بنا ما أنت أهل فإنك أهل التقوى والمغفرة،
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا وفقنا لما تحب وترضى ربنا وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية اللهم زين أخلاقنا بالقرآن ونبر قلوبنا بنور الإيمان اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا اللهم إنا نسألك رزقا حلالا طيبا واسعا اللهم إنا نسألك الفوز بالجنة ونعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها اللهم أعجبنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أعزنا جميعنا في الدنيا والآخرة اللهم أكرمنا جميعنا في الدنيا والآخرة اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وأصحابه أجمعين